हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष भावा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हम मॉड्यूल ए के यूनिट वाइज एमसीक्यूज कर रहे थे एंड अभी तक हमने 5 यूनिट्स के एमसीक्यूज को कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 6, जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल JIB CIB प्रेप फॉर ऑल द अपकमिंग कंटेंट रिलेटेड टू दीज एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप यूजिंग दिस QR कोड। नाउ लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन आपसे कहता है वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पूछ रहा है सिंपल वर्ड्स में, द लाइकलीहुड ऑफ द इवेंट हैपनिंग। यही है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि क्या चांसेस हैं कि आपका इवेंट होगा, वही होते हैं इवेंट की प्रोबेबिलिटी। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जो इवेंट्स कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, जो इवेंट्स कभी एक साथ नहीं हो सकते। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है? कि जो साथ में नहीं हो सकते, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक साथ हो रहे हैं। तो इसका तो ऑप्शन है ए, क्योंकि वो इवेंट्स कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, तो उनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। हैंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे क्या पूछ रहा है, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर जो आपके टू इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग क्या होगी? वो हो गया आपकी ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जब हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कॉन्सेप्ट करे थे उस वाली सीरीज में, हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ द डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। सबसे पहले अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, हमारे पास कितने टोटल वो होते हैं आउटकम्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे आउटकम्स आ रहे हैं वो लेस देन 4 हैं? तो लेस देन 4 कितने होते हैं? 1, 2, 3। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी निकलेगी 3/6। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आपके जो ABM में मॉड्यूल 1 के कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिना ऑप्शंस के एग्जामिनर टेस्ट करता है, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना होगा कि 0.5 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0.7 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, वो कैसे निकालते हैं? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 - 0.7, वो कितना हो गया? 0.3। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक के होने की वजह से दूसरे की प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। रोलिंग ऑफ टू डाइस, नहीं। ड्रॉइंग टू कार्ड्स फ्रॉम अ डेक विदाउट रिप्लेसमेंट, यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर हमने पहला कार्ड जब निकाल लिया, तो पहले हमारे पास 52 कार्ड्स थे, अगर हमने पहला कार्ड निकाल लिया, अब 51 कार्ड्स बचे, तो एक के होने की वजह से दूसरे की प्रोबेबिलिटी बदल रही है ना, हाँ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस इज 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होता है। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि अगर आपने रोलिंग ऑफ अ सम 7 व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, अगर हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास सम जो है 7 आएगा। इसके लिए हम एक टेबल बनाते थे, तो हम पहले उस टेबल को बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वन टू थ्री फोर
सिक्स, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, उसके बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एंड 6.6। ये क्या था आपका पहले जो अगर हमने डाई रोल किया उसके ये आउटकम्स हैं, दूसरे के ये वाले आउटकम्स हैं। तो अगर दोनों साथ में होंगे, अगर 1-1 आ रहा है तो 1.1, एक पहले में 2 आ रहा है दूसरे में 1 आ रहा है तो 1.2, पहले में 3 आ रहा है दूसरे में 1 आ रहा है तो 1.3। इस तरीके से हम यहाँ पे इस टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हमने कॉन्सेप्चुअल वाले जो हमने अपनी क्लासेस करी थी उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि हम किस तरीके से इस टेबल को ड्रॉ करते हैं। अब हमें यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटीज को पिक करना है, हमने वहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब सम 7 आ रहा है, जब क्या आ रहा है, सम 7 आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सम 7 किस किस में है, तो 1 और 1 का सम कितना होता है 2, 1 और 2 का 3, 1 और 3 का 4 होता है, 1 और 4 का 5 होता है, 1 और 5 का 6 होता है, 1 और 6 का 7 होता है। तो एक ये हो गया पहला। उसके बाद 2 और 1 का कितना होता है 3, 2 और 2 का कितना होता है 4, 2 और 3 का कितना होता है 5। इस तरीके से आप आएंगे तो 2 और 5 का निकलता है 7, यहाँ पे 3 और 4 का निकलता है 7, यहाँ पे 4 और 3 का निकलता है 7, 5 और 2 का निकलता है 7 और 6 और 1 का निकलता है 7, बाकी किसी में 7 का सम नहीं आ रहा। तो अब कितने ये आपके टोटल आउटकम्स हो गए जिसमें सम 7 निकल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास टोटल कितने आउटकम्स हो गए जिसमें सम 7 निकल रहा है, वो हो गए 6। और वैसे टोटल कितने आउटकम्स होते हैं 36। तो आपका 1/36 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 7। और इसे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो इसे भी आपको मैन्युअली टाइप करके देना पड़ेगा एग्जाम में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उनके बारे में ट्रू है, दे कैन अकर साइमल्टेनियसली, नहीं उनके अगर वो साइमल्टेनियसली हो सकते थे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ही क्यों। देयर प्रोबेबिलिटी इज एड अप टू 1, अगर वो साथ में हो ही नहीं सकते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी के सम का कोई मैटर ही नहीं उठता। दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, यस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। ओके, तो आपको ग्रीन बॉल अगर चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फिर टोटल ग्रीन बॉल्स कितनी है 3, और टोटल बॉल्स कितनी है 5 + 3 + 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/10 यानी 0.3। यहाँ पे भी आपके ऑप्शंस नहीं है तो इसे आपको मैन्युअली टाइप करके आंसर देना पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो इज ए, तो लेट सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा इवेंट ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी है 0.4। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट नॉट रेनिंग टुमारो, तो अगर कल रेन नहीं होगी तो यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे निकलता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 1 - 0.4, वो कितना हो जाएगा 0.6। हैंस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक डेक है 52 कार्ड्स का, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने एक क्वीन ड्रॉ करी है। तो क्वीन कितनी होती है, आपके पास पहले हमने ये सीखा था 4 अलग अलग टाइप्स के कार्ड होते हैं, पहले तो 2 टाइप के होते हैं रेड और ब्लैक, उसके बाद रेड में आपके 2 अलग टाइप होते हैं और आपके ब्लैक में अलग 2 टाइप होते हैं, हर एक टाइप में आपके क्वीन्स होती हैं। तो टोटल क्वीन्स कितनी है 4 एंड आपके टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो यानी 1/13 इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन। इसे भी आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस आपके गिवन नहीं होंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि व्हाट अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को हम दो बार ट्वाइस टॉस कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक हेड मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस को ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज हमने ड्रॉ किया तो दोनों बार हेड आ गया, फिर पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, या फिर पहले में टेल आया दूसरे में हेड आ गया, या फिर दोनों में टेल टेल आ गया। अब एटलीस्ट वन हेड लिखा है, यानी एक हेड भी हो सकता है, दो हेड भी हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं, यहाँ पे दो हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 3/4। ये है आपका फाइनल आंसर, जिसे आप 0.75 भी लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बैग है, उसके पास चार व्हाइट बॉल्स हैं एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स हैं। क्या है, चार व्हाइट बॉल एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई उसके पास 10। अब टू बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने दो बॉल को ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपने बैग में से एक बॉल निकाली, उस बॉल को आपने बाहर रख दिया, उस बॉल को आपने बाहर रख दिया, उसे आपने बैग में दोबारा नहीं डाला। फिर आपने दोबारा दूसरी बॉल ड्रॉ की, इसे हम कहते हैं क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट, दोनों बॉल्स जो हमने ड्रॉ की वो वाइट हैं। तो देखिए, जब हमने पहली बॉल ड्रॉ की तब अंदर कितनी बॉल्स थी, टोटल 10 बॉल्स थी और चार वाइट थी, तो पहली बॉल वाइट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/10। क्यों, क्योंकि अंदर 10 बॉल्स हैं उसमें से चार वाइट हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो पहली बॉल थी वो वाइट निकल गई, वो क्या थी, वो वाइट निकल गई, वो बाहर आ गई। अब अंदर कितनी बॉल्स बची, 9। अब हमें उसमें से भी वाइट बॉल चाहिए, एक वाइट बॉल बाहर आ गई, तो अब अंदर वाइट बॉल कितनी है, 3। तो आपका ये क्या निकलेगा, 3/9। अगर आप इसे अब सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 होता है, 2 1 2 2 4 होता है, 2 5 10 होता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या निकलेगा, 2/15, एंड यही है आपका करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ हार्ट और अ किंग। सबसे पहले आपको ये समझना होगा टोटल किंग कितने होते हैं, 4। टोटल हार्ट कितने होते हैं, 13। हार्ट जो हमारे हार्ट कार्ड्स होते हैं, हर्ट किस में आते हैं, रेड में होते हैं, रेड टोटल 26 होते हैं, उसके बाद डायमंड के 13 होते हैं और हर्ट के 13 होते हैं। तो हर्ट के टोटल 13 कार्ड्स हैं और 4 टोटल किंग होते हैं, बट इन 13 में से एक किंग भी तो होता है। तो अगर हम हर्ट निकालें, हर्ट विदाउट किंग, अगर हम किंग को अलग कर दें, तो हर्ट टोटल कितने बचेंगे, तो हमारे पास हर्ट टोटल बचेंगे 12। अब 12 या तो हर्ट हो सकते हैं या किंग हो सकते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 12 + 4/52, यानी 16/52, एंड यही है आपका करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ गेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, अगर हम जीत रहे हैं तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। तो लूजिंग की क्या होगी, अगर हम जीत नहीं रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे निकलेगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ W, यानी 1 - 0.4, वो कितना हो गया, 0.6। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड प्रोबेबिलिटी, सॉरी वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आपके नीचे प्रॉपर्टीज गिवन है, उसमें से वैलिड प्रॉपर्टी कौन सी है प्रोबेबिलिटी की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं वो तो 0 से 1 के बीच में होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नहीं हमेशा 0 to 1 होती है प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बिटवीन 0 to 1, यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब एक बार डी को भी पढ़ी लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 1, नहीं इम्पॉसिबल इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, सर्टेन इवेंट की 1 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी द सैम्पल स्पेस इज, सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, तो सैम्पल स्पेस का मतलब होता है जितने भी आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका एक सेट, उसे ही हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अभी हमने यही समझा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड विद दिस क्वेश्चन आपका जो आज का सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा एंड आपको ये एमसीक्यूज भी आपसे बन रहे होंगे। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल JIB CIB प्रेप फॉर ऑल द अपकमिंग कंटेंट रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो ड्रॉप अ रिव्यू थ्रू द कमेंट सेक्शन।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास.